5 लोगों के साथ मस्जिदों में अदा की गई अलविदा जुमा की नमाज। मुसलमानों के सबसे पवित्र माह रमजान उल मुबारक में पढ़ने वाले अंतिम जुमा को अलविदा जुमा कहा जाता है। यूं तो अलविदा जुमा की नमाज अदा करने वालों की संख्या ईद की नमाज जैसी होती है, मगर पिछले साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन के चलते मस्जिदों में सामूहिक रूप से अलविदा जुमा की नमाज नहीं पढ़ी गई, बल्कि सरकार के नियम अनुसार 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि गुरुवार को खानकाह अस्ताना आलिया समदिया फफुंद शरीफ के सज्जादा नसीन सैयद अख्तर मियां चिश्ती ने एक बयान जारी कर जनपद वासियों के सभी मुसलमानों से अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से मना किया था और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों पर ही जुहर की नमाज अदा करने की अपील की गई। लॉकडाउन के कारण शुक्रवार को मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई, बल्कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5 लोगों के साथ ही जनपद की मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा कर सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं अलविदा जुमा की नमाज के दौरान मस्जिदों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। वहीं नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन रहने के साथ कोरोना महामारी के खात्मे की दुआएं की गई। जिस तरीके से आज हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, तो जो हुकूमत की गाइडलाइन थी कि आप मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुख्तसर लोगों में नमाज को अदा करें, तो हमने 5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज को अदा किया और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन अमान की दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमने ये इल्तिजा पेश की मौला ताला हम सबको इस मुल्क हिंदुस्तान को और तमाम लोगों को इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमाए और सारे लोगों की इसकी इस वबा से हमारी क्या हिफाजत फरमाए। कल यहाँ पर ऐलान करा दिया फफूंद शरीफ में कि यहाँ पर जो लोग मस्जिद में आते हैं जुमे की नमाज़ अदा करने आते हैं तो वो लोग जुमे के लिए यहाँ पर ना आएँ, बल्कि अपने अपने घरों में जोहर की नमाज़ अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना से, इस वबा से, इस बीमारी से हम सबको निजात अदा करें। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम 5 लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की और सरकार के कानून पर अमल किया और हम ये दुआ की हमने तमाम मुल्क के लिए, तमाम इंसानियत के लिए कि अल्लाह इस महामारी से हम सब की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसीबत परेशानियों। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।